नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। क्लास 11th वी वर डिस्कसिंग लीनियर इनइक्वालिटीज। आई होप पहले दो लेक्चर्स आपको समझ आए बहुत अच्छे से। ठीक है जी, फ्यू डाउट्स हैव कम अप टू मी, गुड जॉब डन। नाउ मूविंग फर्दर अक्रॉस टू द पार्ट 3 टुडे, वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्राफ्स एंड सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लीनियर इनइक्वालिटीज। जय माता दी, जय गुरु जी, लेट्स स्टार्ट द डे। ग्राफ्स करने अब भैया ध्यान से देखना, समझना बात। x प्लस टू वाई ग्रेटर देन 4 आ जाता है, इसका ग्राफ है। तो करना क्या, करना कुछ नहीं है, कोई भी इनइक्वालिटी आ जाए इसका ग्राफ बनाना है। आपने इसको इज इक्वल टू 4 ही मान लेना है। क्या करना है, या ग्रेटर है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू, आपने इज इक्वल टू 4 मान के पहले अपना डब्बा बना के क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेने, क्रिटिकल बेसिक पॉइंट्स निकाल लेने जो आप ग्राफ पे प्लॉट करना चाहते हैं। अब x की वैल्यू अगर आप 0 डालोगे यहाँ पे तो y कितना आ जाएगा 2, y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 डालते तो x कितना आ जाएगा 4। ठीक है ना, एक वैल्यू अगर और ले लोगे, चलो x y की वैल्यू आपने यहाँ पे 1 ले ली तो x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इज इक्वल टू इसलिए डालते हैं ताकि हम ये पॉइंट्स निकाल सकें। ये आपका एक्स है, वाई है, 1 2 3 4 5, जब x 0 था y क्या था 2, जब y 0 है x क्या है 4। दो पॉइंट बहुत होते हैं ग्राफ बनाने के लिए, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब सारी की सारी गेम क्या है, ध्यान से सुनो। अगर ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है देन लाइन मतलब डॉट, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का साइन है देन प्रॉपर। अब जब हम यहां ग्राफ बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहां डॉटेड लाइन बनाएंगे ऐसे जाएंगे। ठीक है जी, ये एक लाइन, इस लाइन का नाम है x प्लस टू वाई ग्रेटर देन 4। क्या है, ग्रेटर देन। अब हमने डॉटेड लाइन क्यों बनाई है, वाई डॉटेड, बिकॉज ये लाइन सॉल्यूशन नहीं है। क्या है, सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये लाइन किसकी है, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 4 की। ये बेसिकली लाइन किसकी, इज इक्वल टू 4 की। हमें आंसर क्या चाहिए, ग्रेटर देन 4 चाहिए, हमें आंसर क्या चाहिए, ग्रेटर देन 4। ये लाइन थी इज इक्वल टू 4 की, तो हमारा आंसर क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब देखो ये बॉर्डर बन गया, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ आ गया। आप कहीं की भी वैल्यू उठा लीजिए, लेट्स टेक दिस वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी होगी, x 0 है, y क्या है 3, यहां पुट करके देखते हैं, 0 प्लस 2 इंटू 3 कितना आ गया 6, विच इज ग्रेटर देन 4। तो ये मेरा, ये इस इनइक्वालिटी को क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। वैसे आप ये वाला पॉइंट उठा के देख लो, ये भी बॉर्डर के इसी तरफ है, ये क्या होएगा 5, 0, 5 प्लस 2 इंटू 0 क्या आ गया 5, ग्रेटर देन 4 मतलब आंसर है। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर है ये सारा का सारा, ये मेरा आंसर है।
ठीक है जी, दिस इज माय आंसर जो आगे ऊपर इनफाइनाइट तक जाएगा, x प्लस टू वाई ग्रेटर देन फोर। लाइन नहीं है आंसर, लाइन के ऊपर वाला सारा का सारा हिस्सा मेरा क्या होगा आंसर। अब आप देख सकते हो हम सच बोल रहे हैं, कैसे? आप लाइन के नीचे वाला आंसर ले लो, ये पॉइंट ले लो, फॉर एग्जाम्पल ये क्या होगा, 3,0 पुट करो, 3 प्लस 2 इंटू 0 क्या आ गया 3, 3 क्या 4 से बड़ा होता है, 3 इज लेस देन 4, तो इसका मतलब इस बॉर्डर के नीचे वाला कोई भी मेरे ग्राफ को, मेरी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो सिर्फ इतनी बात, यहां कुछ भी आ जाए सबसे पहले तो आप इक्वल टू का साइन डाल के पॉइंट्स निकालते हैं। पॉइंट्स क्यों निकालते हैं, ताकि हम लाइन ड्रॉ कर सके। अगर ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है तो सिर्फ डॉटेड लाइन आएगी, अगर इक्वल टू का साइन होता साथ में तो पूरी प्रॉपर लाइन बनती। वो लाइन क्या करती है, दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी आपके ग्राफ को। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ कोई भी पॉइंट उठा के, दो रीजन में से कोई भी पॉइंट उठा के पुट करना है, देखना है कि वो आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, लेस देन इक्वल टू 6, मैंने इज इक्वल टू 6 किया है, इसको x को 0 डालूंगा y 3, y को 0 डालूंगा x कितना आ जाएगा 2, जान x 0 है y 3 है। X2 है, Y0 है। आई होप ये आता है। अब यहां ग्रेटर लेस देन इक्वल टू था, इक्वल टू का साइन है तो भैया ये प्रॉपर लाइन है, ठीक है जी। अब इसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, हमें देखना है कौन सा मेरा आंसर होगा, ठीक है जी। आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, लेट्स टेक दिस पॉइंट, ये क्या 1,0 है, इसको पुट करके देखते हैं, 3 × 1 प्लस 2 × 0 तो क्या बन गया 3, विच इज लेस देन 6, तो मतलब ये मेरा क्या है, सॉल्यूशन का पार्ट। आप इसके ऊपर का पॉइंट उठा लो, अब ये पॉइंट उठा लो 3,0, अब ये पुट करके देखो 3 × 3 प्लस 2 × 0 क्या आ गया 9, विच इज ग्रेटर देन 6, तो ये ऊपर वाला मेरा आंसर नहीं। तो भैया मेरा आंसर क्या हुआ यहां पे, माय आंसर इज दिस, ये सारा का सारा इस लाइन के नीचे वाला सारा हिस्सा क्या है, मेरा सॉल्यूशन है। तो हम यहां लिख देंगे 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6, ये मेरा आंसर है। लाइन भी इसमें आंसर है, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन था तो लाइन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। आई होप थोड़ी सी बात समझ आई, श्योर करिए नोट, जय माता। ठीक है गाइस, अब क्वेश्चन आता है, ये तो हमने सिंगल ग्राफ किया, सॉल्व सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। अब मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आया, सॉल्व दिस, चार इनइक्वालिटीज लिखी हुई। सबसे पहले 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 किया, इसका डब्बा बनाया x और y का, भैया जब x 0 होगा तो y कितना होगा 3, y 0 होगा x कितना होगा 4, इसके पॉइंट आ गए। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 किया, इसका डब्बा बना लिया एक, x 0, y 4, y 0, x 3, ठीक है जी।
अब जब हमने ग्राफ बनाया एक्स जीरो वाई थ्री, एक्स जीरो वाई थ्री, एक्स फोर वाई जीरो, ये मेरी कौन सी लाइन है? थ्री एक्स प्लस फोर वाई लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व चाहिए। क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व, लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व चाहिए। आप कोई भी पॉइंट उठा के देख लीजिए, ठीक है जी। वैसे मोटी बात ये होती है, जब लेस देन होता है तो नीचे का ग्राफ होता है, ग्रेटर देन होता है तो ऊपर का ग्राफ होता है। स्टिल हम चेक कर लेते हैं। आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, ये उठा लीजिए जीरो कॉमा टू, आप पुट कीजिए यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा? ये जीरो कॉमा टू पॉइंट पुट करोगे, थ्री इंटू जीरो, जीरो प्लस फोर इंटू टू, एट, एट क्या होता है? ट्वेल्व से छोटा होता है। आपका आंसर ये नीचे की तरफ बनेगा। आपने पूरा नहीं मार्क करना, क्यों? मेरे को पूरा सिस्टम सॉल्व करना, मुझे ये पता लग गया ये नीचे। अगला x0 by 4, 1 2 3 4, 0 comma x3 by 0, 1 2 3, ये आंसर। ये लाल वाला हो गया किसका आंसर? 3 4x plus 3 by less than equal to 12, less than है, ठीक है जी। क्या है? less than, लेस देन है। कोई भी पॉइंट उठा के देख लो, अगेन मैं जीरो कॉमा टू डाल के देख लेता हूं यहां पे। फोर इंटू जीरो जीरो, थ्री इंटू टू सिक्स, ठीक है जी। क्या बारह से छोटा है? बिल्कुल है। इसका आंसर भी क्या है? नीचे की तरफ। बट साथ ही साथ हमें दो चीजें दी हुई हैं, क्या? एक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा। एक्स जीरो या जीरो से बड़ा भैया कब होता है? एक्स जीरो या जीरो से बड़ा इस तरफ होता है, ये सारी साइड, ये पूरा का पूरा राइट हैंड साइड, ये बॉर्डर है हमारा, ये वाई एक्सिस के इस तरफ हमेशा एक्स क्या होता है? पॉजिटिव। इस तरफ क्या होता है? नेगेटिव। तो ये सारा का सारा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? ये जीरो। फिर कहते हैं वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब वाई जीरो होना चाहिए या जीरो से बड़ा? कब होगा? एक्स एक्सिस के ऊपर सारी वैल्यू क्या होती है वाई की? जीरो से बड़ी या उससे इक्वल। तो ये जो आपका x एक्सिस है ये क्या हो गया? y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब जब हम चारों को देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना, अब हम जब चारों को देखेंगे देन वी कम टू रियलाइज, ये दो नीचे जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, ये राइट जा रहे हैं, तो कॉमन आंसर क्या आएगा? सिर्फ ये मेरा क्या है? कॉमन आंसर। ये मेरा क्या है? सॉल्यूशन। क्यों? मेरे को ऊपर जाना है, मेरे को यहां भी जाना है, तो इसका मतलब मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह सकता था। ये दोनों नीचे आ रहे थे, तो ये बनाते हैं हमारा वो सॉल्यूशन जो सबको क्या करेगा? सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई। ये पेपर में आना ही आना है आपके क्वेश्चन, ठीक है जी। स्कूल के पेपर्स में आना ही आना है। एंड ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, समझ आ गई ग्राफ्स, बहुत चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। करिए बहुत ध्यान से नोट इसको, आई होप थोड़ी सी बात समझे। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन करते हैं। Let's take one another question. पांच inequalities. ध्यान से देख। अब x plus y is equal to 5 बनाया, इसका डब्बा क्या होगा? x0 y5, y0 x5. 4x plus y is equal to 4 का डब्बा क्या होगा? x0 हुआ तो y4, y0 हुआ तो x कितना आ जाएगा? 1.
एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू फाइव का डब्बा क्या होगा? एक्स जीरो हुआ तो वाई कितना आ जाएगा? वन। वाई जीरो हुआ तो एक्स कितना आ जाएगा? फाइव आ जाएगा। ध्यान से देखिए, एक्स जीरो वाई फाइव एक्स फाइव वाई जीरो ये कौन है? एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू फाइव। मैंने बोला लेस देन इक्वल टू मतलब नीचे की तरफ होता है, आप चेक कर सकते हो। तो मैंने ऐसे एरो बना दिए, ठीक है भैया। फोर एक्स प्लस वाई का हमारा जब ग्रेटर देन इक्वल टू फोर था, जब एक्स जीरो है वाई फोर है, एक्स जीरो वाई फोर, वन टू थ्री, वाई जीरो एक्स वन, ये है फोर एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। ग्रेटर है तो मतलब ऊपर की तरफ ही होगा, इसका आंसर जो है हमारा ये ऊपर जाएगा। आप पुट करके देख सकते हैं, ब्लैक वाला x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू फाइव नीचे आ रहा था, ये ऊपर जा रहा था। x प्लस फाइव वाई ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, एक्स जीरो वाई वन और एक्स फाइव वाई जीरो, ये है x प्लस फाइव वाई ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। ग्रेटर देन है तो इसका मतलब ये कहां जाएगा? अगेन दिस विल बी गोइंग अपस्टेयर्स, ऊपर जाएगा। x लेस देन इक्वल टू फोर, x लेस देन इक्वल टू का फोर का मतलब क्या होगा? x चार से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। x क्या होगा? चार से छोटा। तो भैया x चार से छोटा कहां पे है? देखिए ध्यान से बताइए, x जीरो कहां पे होता है? x जीरो होता है y एक्सिस में। फोर से छोटा, वन टू थ्री फोर, सॉरी इक्वल टू भी है साथ में, इस लाइन को कहते हैं x लेस देन इक्वल टू फोर। लेस देन इक्वल टू फोर मतलब ये चार की लाइन है, चार या चार से क्या है? छोटा। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? इस तरफ। वाई लेस देन इक्वल टू थ्री, वाई लेस देन इक्वल टू थ्री, वन टू थ्री, वाई लेस देन इक्वल टू, लेस देन है तो y क्या होगी? थ्री से छोटी, तो मतलब नीचे आ जाएगी, ऊपर नहीं जा सकती। अब देखो खिचड़ी पक गई, ठीक है। अब इन सबके बीच में कॉमन सॉल्यूशन जब आप देखोगे तो वो ये बनेगा। अब इसको ध्यान से देखें, एक एक में देखेंगे। x लेस देन फोर है इसमें, y लेस देन थ्री है इसमें, x प्लस फाइव वाई ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव ऊपर जाना था है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू फाइव वो भी है, और 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू फोर वो भी है। तो ये मेरा क्या होगा? दिस इज माय सॉल्यूशन। तो एक एक करके हम लाइन बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा। This is very important. I hope थोड़ी सी बात समझ आई, ठीक है guys, note it down. अब
अब चलते हैं फन पार्ट पे, थोड़ा न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं जो स्कूल के पेपर्स में आती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो करेंगे डिस्कस। उसके बाद हमारा एनसीईआरटी सारा का सारा खत्म हो जाएगा बहुत मजे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग मॉड्यूलस, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूज डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे। बाकी तो आपको स्टेटमेंट समझ आने वाले, तो आई विल बी राइटिंग डाउन फ्यू स्टेटमेंट्स एंड विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन दैट, ठीक है, तो गिव मी 2 मिनट्स। Find all pairs of consecutive odd positive integers, both of which are smaller than 10, such that their sum is more than 11. अब उसने इंग्लिश में लिखा consecutive odd positive integers. Consecutive है, odd है, मतलब 1 के बाद कौन सा इंटीजर आता है odd? 3, 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, यही 1। तो मतलब अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस, इतनी बात समझ आई। ऑड पॉजिटिव इंटीजर थे तो भैया सिंपल एक x लिया, एक x प्लस 2 हो गया, उसमें 2 ऐड कर। अब दोनों में छोटा कौन है, ऑब्वियस x छोटा। उसने कहा बोथ शुड बी स्मॉलर देन 10, दोनों ने 10 से छोटा होना, तो भैया तो x प्लस 2 को 10 से छोटा होना पड़ेगा, तो x क्या हो जाएगा 8 से अपने आप ही छोटा हो जाएगा, x विल बी लेस देन 8। अब समझना बात बहुत ध्यान से, x को नहीं लेस देन 10 करोगे, बड़ी वाली वैल्यू अगर 10 से छोटी है तो छोटा वाला तो ऑटोमेटिकली हो गई हो, है ना, सीधी सी बात है, यस और नो? दोनों को लेस देन 10 होना था, तो हमने हमेशा बड़े नंबर को कंपेयर करना है, बड़े नंबर को कंपेयर किया तो हमारे पास एक्स की कंडीशन आ गई, ये 8 से कम होगा तो ये अपने आप ही 10 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। सम हैज टू बी मोर देन 11। अब इक्वल नहीं दिया होगा, मोर दिया होगा, ये कहता है x 4.5 से बड़ा होना चाहिए, ये कहता है x लेस देन 8 होना चाहिए, तो भैया 4.5 से x किसके बीच में डांस करेगा, 8 के बीच में, तो भैया 4.5 से 8 के बीच में एक नंबर कौन सा होता है ऑड, 5 आता है, अगर x 5 हो गया तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, 5 आया फिर 6 आया, वो तो हो ही नहीं सकता, फिर कौन आया 7, तो अगर x 7 हुआ तो x प्लस 2 कितना हुआ आपके पास 9, x उसके बाद 7 के बाद 8 हो ही नहीं सकता, क्यों, 4.5 से बड़ा है और 8 से क्या है छोटा, तो हमारे पास दो पेयर आ गए क्या 5, 7 और 7, 9। अब देखो 5 और 7 दोनों 10 से क्या है छोटे, 5 प्लस 7 क्या होता है 12, वो क्या है 11 से बड़ा, 7 और 9 दोनों क्या है 10 से छोटे, 7 प्लस 9 क्या होता है 16, वो क्या होता है 11 से बड़ा। ये ही दो पेयर बनते हैं हमारे पास कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के, जो क्या है छोटे हैं दोनों 10 से और बड़ा है इनका सम किससे 11 से। करिए ध्यान से, क्लियर गाइस? Thank you.
हमने स्कीम खेल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ इवन कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है जी, इवन चाहिए कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो बोथ क्या है 5 से बड़े और उनका सम क्या है 23 से कम है। अब इवन क्या हुए, 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 है ना, 2, 4, 4, 6, 6, 8 ये बनेगा। तो भैया x और x प्लस 2 ले लिया हमने। अब उसने कहा दोनों 5 से बड़े होने चाहिए। तो भैया जब ये छोटा वाला 5 से बड़ा होगा तो बड़ा वाला तो ऑटोमेटिकली हो गई हो, यस हो। आप अभी 16 साल के हो और मैं आपसे बड़ा हूं, ठीक है, मैं 32 का हूं। चलो आप 16 हो, मैं 32 हूं। मैंने कहा हम दोनों 15 साल से बड़े हैं, तो आप 15 से बड़े हो गए तो मैं तो ऑटोमेटिकली हुआ ना, क्योंकि मैं तो आपसे बड़ा ही हूं, सीधी सी बात है। तो x ग्रेटर देन 5 आ गया आपके पास, आ गया। अब उसने कहा सम x प्लस 2 23 से कम है, तो 2x क्या है लेस देन 21, x क्या है लेस देन 10.1, तो ये लेस देन 10.5 है और ग्रेटर देन 5 है। तो भैया आपका आंसर x किसके बीच में डांस कर रहा है, 5 से 10.5 के बीच, 5 से 10.5 के बीच में पहला नंबर क्या आएगा इवन, 6 अगर, या फिर क्या आएगा 8, या फिर क्या आएगा, अगर x 6 है, अगर x 8 है और अगर x 10 है तो x प्लस 2 कितना हो गया, तो आपके पेयर क्या बन गए 6, 8, 8, 10, 10, 12। देख लीजिए ये सारे 5 से क्या हैं बड़े, इन सब का सम इसका 14, इसका 18, इसका आपके पास कितना आ गया 22, ये सबका सम 23 से क्या है छोटा। अगर आप इसके बाद वाला नंबर लेते हैं 12 और 14 तो उसका सम कितना हो जाता, उसका सम हो जाता 26, तो वो 23 से क्या हो जाता बड़ा। करिए ध्यान से, आई होप थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है। नेक्स्ट सबने बचपन में पढ़ा हुआ डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। तो कहते हैं कोई सॉल्यूशन है उसको हमने 86 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है। कहते हैं 86 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में वो सॉल्यूशन रहेगा, तो उसका रेंज ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन का फॉर्मूला दिया हुआ है, एफ क्या होता है, फ़ारेनहाइट क्या होता है 9C/5+32। ये बचपन में भी हम करते हैं, तो बड़ा सिंपल सा है। अब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसके बीच में है 86 डिग्री से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये फ़ारेनहाइट, ये सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो 86 से 95 के बीच, तो कहना राइट 86 9C/5+32, मैंने वो फ़ारेनहाइट को किस में चेंज कर दिया सेल्सियस, क्या बन गया 86 9C, ये कितना आ जाएगा 160
ये पांच बॉर्डर पर उस तरफ भी गया, इस तरफ भी गया, क्या आ जाएगा? ये शायद 430 बनता है। ये शायद कितना बन जाएगा आपके पास? माइनस ये 160, दोनों तरफ जाके माइनस कर दीजिए। यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? शायद 270 आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा? ठीक है जी, ये आएगा, ये 9 डिवाइड करेगा, तो भैया ये क्या बन गया? 30 डिग्री। और ये कितना आ गया आपके पास? 365। तो 30 डिग्री से लेकर 37.2 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा आपका टेम्परेचर? ठीक है बच्चा पार्टी, तो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ था, हमने सेल्सियस में करना था, हमने फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला वहां लिखा, उसके बाद हमने एक्सपेंशन कर दी। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया यहां पर? आई गेस सो, है ना? 475 आएगा, सॉरी, देखा हो जाता है ऐसे कभी कभी, बुरा नहीं मानना। 3 और 45, 35। तो आपका टेम्परेचर बना 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्या है आंसर? फ़ारेनहाइट में जो 86 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, वो सेल्सियस में क्या होगा? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। क्लियर बात? करिए नोट, जैम आता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टाइप। ऐसा कोई पेपर नहीं है स्कूल का, ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। हर साल आना ही आना है, ये आएगा, इसका भाई बहन आएगा, आएगा ही आएगा, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। सोल्यूशन ऑफ, ध्यान से देखिए, सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन हैज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन टू इट, रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। इफ देर आर 640 लीटर्स ऑफ 8% सोल्यूशन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सोल्यूशन हैज टू बी एडेड? मतलब क्या यार, मैंने बहुत जगहों पर देखा है, एक सिंपल सा फंडा है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे। बहुत बार क्या होता है, हम कहते हैं जूस बहुत गाढ़ा है, बहुत ही वो है यार, इसमें थोड़ा सा पानी मिला दो पतला हो जाएगा, करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? तो हमने क्या किया है, मोटी क्वांटिटी के अंदर थोड़ी पतली क्वांटिटी डाली, तो उसको क्या कर दिया हमने, पतला कर दिया। ठीक वैसे ही अब 8% बोरिक एसिड था, उसके अंदर हमने 2% वाला सॉल्यूशन डाला,
तो भैया ताकि उसकी हम स्ट्रेंथ को क्या कर सके, थोड़ा सा कम कर सके। अब समझना बहुत ध्यान से। सॉल्यूशन ए क्वांटिटी, कितनी है? 640 लीटर्स ऑफ 8% एसिड, कितना है? 8 एसिड परसेंट, 8% है क्वांटिटी, 640 लीटर एसिड कितना हुआ भैया? 8% ऑफ 640 हुआ, कुछ गलत तो नहीं लिखा? यही मतलब हुआ ना, 8% एसिड था, इतनी क्वांटिटी, कितना एसिड हुआ सॉल्यूशन में? 8/100 × 640। कोई शक? सॉल्यूशन बी आया, इसके अंदर हमने कुछ सॉल्यूशन बी ऐड करना है। कहते हैं उसकी कितने लीटर डालें, तो उसकी क्वांटिटी ले ली एक्स लीटर्स, हमें नहीं पता कितने लीटर डालना है, वही फाइंड करना है एक्स लीटर। उसमें एसिड कितना है? 2%। तो भैया 2% एक्स लीटर का है, तो उसमें एसिड कितना हुआ? 2/100 × x। अब सुनना बात ध्यान से, ये दोनों ऐड हुए, क्या हुए? ऐड। जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो एक सॉल्यूशन सी बन गया। अब उसकी क्वांटिटी कितनी होगी? 640 लीटर ये है, एक्स लीटर ये है, तो इसकी क्वांटिटी कितनी होगी? 640 प्लस एक्स होगी। कोई शक? एसिड कितना हुआ उसके अंदर? भैया ये एसिड, अगर लेट्स सपोज ये 10 लीटर था, लेट सपोज ये 5 लीटर था, तो भैया 10 लीटर और 5 लीटर टोटल एसिड कितना हो गया सॉल्यूशन में? 15 लीटर हो गया, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ गया? 8/100 × 640 + 2/100 × x। ये टोटल एसिड है किसके अंदर? इस सॉल्यूशन सी के अंदर। किसके अंदर? सॉल्यूशन सी के अंदर। कोई बात, कोई शक? अब आती है कहानी। कहते रिजल्टिंग मिक्सचर, जो ये सॉल्यूशन सी बना है, हैज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6%। हैज टू बी मोर देन 4%, 4% भैया, 4% किसका? जो नया सॉल्यूशन बना उसी का। तो 4% ऑफ 640 प्लस एक्स, इसका जो 4% है उससे ज्यादा होना चाहिए क्या आपका एसिड? एंड लेस देन 6%, 6% किसका? भैया जो नया सॉल्यूशन बना है 640 प्लस एक्स, उसी का ही हुआ ना, सिंपल सी बात है। उसने कहा दो सॉल्यूशंस को ऐड करके जो मिक्सचर बना है उसके अंदर इसकी अब जो स्ट्रेंथ है इस सॉल्यूशन की 4% से ज्यादा होनी चाहिए। इसकी कैपेसिटी है ये, इसके 4% से ज्यादा होना चाहिए, 6% से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो 4% मतलब 4/100 ऑफ 640 प्लस एक्स लेस देन, ये एसिड कितना है? 8/100 × 640। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था जान के, रीजन बताऊंगा आपको। लेस देन 6/100 ऑफ 640 प्लस एक्स। अब यहां से 100 डिनोमिनेटर में कॉमन निकल जाएगा, ये क्या बचेगा? 1/100 निकाल दिया, 8 × 640 करेंगे तो 0 आ गया, 2 आ गया, यहां गया 512 हो गया, प्लस 2x लेस देन 4 × 640 करेंगे शायद 2560 प्लस 4x लेस देन 1/100, तीनों में आ गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 2560 प्लस 4x लेस देन 5120 प्लस 2x लेस देन 3840 प्लस 6x, तीनों में x है, इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। सो 4x माइनस 2x लेस देन क्या आ गया? 2x आ जाएगा आपके पास, यहां पे कितना आ जाएगा बच्चे? 2560 एंड x आ जाएगा लेस देन 1280।
इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5120 माइनस 3840 लेस देन 6x माइनस 2x। तो बेटा यहां आ गया आपके पास ये 8.4 है, इसको सॉल्व करेंगे शायद 320 आ जाए। ये कह रहा है x 1280 से कम होना चाहिए, ये कह रहा है x 320 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो हम आंसर क्या लिख जाएंगे ध्यान से देखना, 320 लीटर्स से 1280 लीटर्स इज माय सॉल्यूशन। मतलब जो सेकेंड आपका सॉल्यूशन था उसकी क्वांटिटी 320 लीटर से ज्यादा होनी चाहिए, 1280 लीटर से कम होनी चाहिए, कुछ भी डालो इसके बीच वाला, तो आपका जो एसिड नया बनेगा उसकी स्ट्रेंथ 4% से ज्यादा होगी, 6% से क्या होगी, कम। बहुत ध्यान से करिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। इसके जैसा सेम क्वेश्चन आपको एक मिलेगा एनसीईआरटी में, और उसके अंदर पानी डालेंगे, एक सॉल्यूशन के अंदर पानी डालेंगे। तो बस इतना याद रखना कि पानी का एसिड जीरो होता है, पानी में एसिड हो गया तो कलेश हो जाएगा हमारी जिंदगी में, वहां ये एसिड की क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, ये याद रखना और सॉल्व करने की कोशिश करना। आपका पूरा का पूरा चैप्टर इज ओवर फ्रॉम सीबीएसई एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू। कॉम्पिटिशन के लिए अभी हम कुछ कुछ बातें और करेंगे अगले टॉपिक के अंदर। क्लियर, नोट इट डाउन। जय माता दी, जय गुरु जी, इंजॉय।